ज्ञापन देने के बाद सारे लोग शपथ लेके जाएंगे कि हम और हमारा परिवार बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा, गांव वोट नहीं देगा। ये हम शपथ लेके जा रहे हैं यहाँ पे। अगर ये 18 तारीख तक 51,000 प्रतिनिधि निकलती तो 1,00,000 तो आएंगे, लेकिन ये शपथ भी लेके जा रहे हैं अभी वहाँ सीपीआई के कार्यालय के सामने। शपथ लेके जाएगा युवा, पहले भी लिए और अब भी लेगा कि 51,000 पद अगर वृद्धि नहीं होती, वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर नहीं होती है, तो यहाँ जितने भी मध्य प्रदेश का युवा है हर जिले से, वो बीजेपी को वोट ना देने की शपथ ले जाएगा। जीवन भर वोट नहीं देना है, पूरा परिवार नहीं देगा। युवा इस बार बेवकूफ नहीं बनेगा, ये वोट की चोट मारेगा, पूरे मध्य प्रदेश सरकार को हिला के रख देंगे। हमारा कोई उद्देश्य है, हम कोई किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आए, लेकिन हमारे अधिकार, अगर हमारी बेरोजगारी नहीं मिलती, उनको ये लग रहा है कि बच्चा अब हम जाएगा तो ये नहीं होगा। बच्चा समझ चुका है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, वो आगे आएगा और आगे आने वाला आंदोलन हमारा बहुत भारी होगा। नहीं बने जा रहे।